तो दोस्तों अब बारी है हमारी इस पे 5G टेस्ट करने की Vivo V29 Pro पर। हम करने वाले हैं आज Airtel पे 5G टेस्ट, क्योंकि Airtel का नेटवर्क काफी ज्यादा तेज होता है और 4G में देखते हैं 5G में ये कैसा काम करेगा। और ये है Vivo V29 Pro और इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन निकलने वाला है। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधा 5G के टेस्ट पर। तो नेट ऑन है 5G पर और बैटरी 100% है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है 5G पर और देखते हैं कितनी स्पीड हमको मिलेगी। अभी आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगता है कि Airtel का थोड़ा ज्यादा तेज ही होना चाहिए। वैसे मुझे लगता है 500 Mbps भी नहीं टच करेगा Airtel। तो Airtel में ये प्रॉब्लम मुझे 5G में देखने को मिली है और Jio में इसने काफी अच्छा काम किया था नेट ने V29 Pro में। और यहाँ पे सिर्फ 400 ये देख सकते हो यहाँ पे डेटा का भी मैसेज आ गया है, हाफ मतलब 50% खत्म। तो यहाँ पे नेट स्पीड काफी कम लगी मुझे, डाउनलोड स्पीड 448 Mbps बहुत कम जियो के मुकाबले। अपलोडिंग तो बहुत कम है, वो तो मुझे लगता है 34-35 पर ही टिक गया, 34.6 Mbps पे ही अपलोडिंग है। तो एयरटेल का नेटवर्क काफी स्लो मुझे लगा 5G में, और ये सुबह का टाइम है लेकिन इस टाइम भी 11 बजे भी यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है। बाकी जियो का नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छा चलता है और 5G में तो मुझे थोड़ा बेटर ही लगा है जियो का। बाकी एयरटेल का भी हो सकता है अभी ठीक हो जाए, लेकिन ओवरऑल एयरटेल का नेटवर्क मुझे सही नहीं लगा है 5G में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और एयरटेल मुझे लगता है कि थोड़ा सा इशू चल रहा है 5G में अभी के टाइम में। बाकी हाँ, स्पीड काफी तेज होती है 4G में, 5G में थोड़ा सा कम स्पीड थी लेकिन सही थी। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।